Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of 11th class biology, the living world. Living world start करने से पहले हमें कुछ biology के बारे में पता होना चाहिए. Biology is made of two words, bio and logy. Logy means study, and bio means living things. So biology means study of living things. Biology has two main branches, botany and geology. Botany and geology. Logy means study and zoo means animals. So study of animals is known as geology, and study of plants is known as botany. Study of plants is known as botany. अगर हम इनके fathers की बात करें, botany, geology and biology के अगर हम father की बात करें, तो जो botany के father हैं, वो हैं Theophrastus. Botany के father कौन हैं? Theophrastus. And the father of geology and biology is Aristotle. Aristotle, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, biology और geology में दोनों में logy word आ रहे हैं. So now we start chapter the living world. The living world. नेम से ही पता चल रहा है हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, लिविंग थिंग्स के बारे में. तो अगर आप किसी भी बायोलॉजी को छोड़ दीजिए, अगर आप किसी भी क्लास में बैठे हैं लाइक एसएस साइकोलॉजी या फिर कोई भी जनरल क्लास है, अगर उसमें आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या गिव फाइव डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, व्हाट यू से. सो लिविंग थिंग्स, अगर हमसे लिविंग थिंग्स के बारे में पूछा जाए, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स आर सेल्फ कॉन्शियस. लिविंग थिंग्स आर सेल्फ कॉन्शियस लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक ह्यूमन बींग. एंड अदर थिंग्स आर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियसनेस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियसनेस they are respond to environment stimulus. This is about living things. अगर हम living things के features की बात करें, features of living things, first feature, क्या क्या main feature होते हैं इनके? First one is the growth, second one is the reproduction, third one is the metabolism, metabolism means chemical reactions, fourth one is the cellular organization, and the last one is the consciousness. Last one is the consciousness. फर्स्ट है ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्विन कैरेक्टर मीन्स इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन
सेल नंबर, सेल नंबर का इंक्रीज होना और सेल साइज का इंक्रीज होना, दीज आर द टू ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या कोई भी अदर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो जैसे ही ह्यूमन बींग्स का अगर जन्म होता है किसी भी बच्चे का, तो उसमें जो वेट होता है वो 2 to 3 kg होता है। जैसे ही उसकी एज आगे बढ़ती है तो उसका जो वेट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ऐसे ही अगर हम इंक्रीज इन सेल नंबर की बात करें, सेल नंबर कैसे इंक्रीज होता है, आपने 10th class में पढ़ा होगा बैक्टीरियल सेल होती है जो, या कोई भी सेल है वो क्या करती है, सेल डिवीजन शो करती है, 1 से 2 cell में, 2 से 4 cell में, दिस इज द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एंड द सेल साइज इंक्रीज आर द टू ट्विन कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दे शो ग्रोथ इन द मीन्स ऑफ सेल डिवीजन, दे शो सेल डिवीजन। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो सेल ग्रोथ होती है, जो सेल डिविजन्स होते हैं, आप किसी भी प्लांट्स को देखोगे उनके जो हाइट है 45 feet है, नेक्स्ट ईयर आप देखोगे 46 feet होगी। तो उनकी जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब हम ग्रोथ के अंदर बात करेंगे इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट की, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपने जैसे अभी हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या होते हैं, ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, और वो क्या शो करते हैं, सेल डिवीजन भी शो करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जो सेल डिवीजन होते हैं, जो तीनों इवेंट्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। एंड द इंक्लूसिव इवेंट मीन्स आर दोज इवेंट विच आर टेकिंग सिमटेनसली। जो इवेंट एक साथ होते हैं उन्हें हम कौन से इवेंट कहते हैं, इंक्लूसिव इवेंट। तो जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है, इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर इंक्लूसिव इवेंट्स, एंड इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर अक्कर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स है और जो एनिमल्स है उनके अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जाम्पल लाइक अगर हमारे कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, तो हम उस टाइम रिप्रोडक्शन करें या नहीं करें, या फिर उस टाइम हमारी बॉडी ग्रो भी नहीं कर पाती या ग्रो कर नहीं रही होती है जिस टाइम हमारी इंजरी होती है। तो ये जो तीनों इवेंट्स हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेल डिविजन है, ये हमारी बॉडी में एक टाइम पे एक साथ नहीं होते, इसी वजह से ये क्या है, इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये। एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब हम ये तो बात थी लिविंग थिंग्स के बारे में, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या ग्रोथ कर रही है या नहीं करती है? ग्रोथ मीन्स क्या है, सेल साइज का इंक्रीज होना और सेल नंबर का इंक्रीज होना, ये दोनों जो फीचर्स है ये किसके हैं, ग्रोथ के करैक्टर्स हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स
कि बात करने से पहले आपको क्या बताना चाहिए, डेफिनेट फीचर्स आपने बताना है और इनडेफिनेट फीचर्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कितने फीचर्स हैं, फाइव है मेन में, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो इन सभी में हमने ये देखना है कि डेफिनेट फीचर कौन सा है और इनडेफिनेट फीचर्स कौन सा है। डेफिनेट फीचर्स कौन, अगर सभी लिविंग थिंग्स, अगर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अगर सभी लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो कर रही है और कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो नहीं कर रही तो हम उसको कौन सा फीचर कहेंगे, डेफिनेट फीचर। अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स ने ग्रोथ शो कर रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट फीचर्स। मीन्स क्या है, अगर सभी लिविंग थिंग्स ग्रोथ करेगी और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं करेगी तभी वो क्या होगा, हमारा डेफिनेट फीचर होगा। तो अब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है, वो भी क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन्स आप हर साल देखते हैं, माउंटेन्स का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। धूल है, मिट्टी है, स्नो है, इन पे डिपॉजिट हो रही है, डिपॉजिट होने की वजह से इनका जो माउंटेन्स का जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब सेल साइज है, जब किसी भी चीज़ का साइज इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो इसी वजह से ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज द इनडेफिनेट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, ग्रोथ इज द इनडेफिनेट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजेशन ग्रोथ इज इनडेफिनेट फीचर्स। क्यों है, क्योंकि जो माउंटेन्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनपे किसी भी पार्टिकल की एक्यूमुलेशन की वजह से उनका जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से माउंटेन्स है वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट फीचर्स। एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर माउंटेन्स का साइज इंक्रीज हो रहा है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्रीशन। एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, accretion. This point is very 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 important. अगर हम बात करें, ये थी outer growth, लेकिन अगर हम internal growth की बात करें, तो internal growth है वो हमें सिर्फ किसके अंदर दिखाई देती है, living organisms के अंदर। जितने भी living organisms हैं उनके अंदर, सभी के अंदर क्या होती है, internal growth। अगर हम internal या एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें तो जो इंटरनल ग्रोथ है वो क्या है, हमारा डेफिनेट फीचर है। बट आपने कंप्लीट का ध्यान में रखना है, जो कंप्लीट ग्रोथ है वो कैसा फीचर है, कंप्लीट ग्रोथ क्या है, हमारा इनडेफिनेट फीचर है। ये था हमारा फर्स्ट फीचर के बारे में, दैट इज ग्रोथ। सेकंड वन इज